हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भाई लोगों बहुत दिन से कमेंट आ रहे हैं, भाई हमें डीजल का पॉइंट बताओ, एक पॉइंट में कितना डीजल रहता है और कितने लीटर में फुल होता है। आज वही मैं बताने वाला हूँ कि एक पॉइंट में कितना लीटर डीजल होता है और कितना लीटर में टाइम फुल होता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइन है वो डीजल का लाइन है और मेरा दो पॉइंट है और सिंगल लगा है दो पॉइंट का। अभी मैं जा रहा हूँ पंप पे और वहाँ पे फुल टैंक करने वाला हूँ, देखता हूँ अभी कितना बैठता है। उसके बाद आपको बताऊँगा कि एक पॉइंट में कितना लीटर आता है डीजल। वीडियो अंत तक देखे तभी आपको पता चलेगा। लास्ट में बताने वाला हूँ कि एक पॉइंट में कितना लीटर डीजल बैठता है। जब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये भी अपना ही मशीन है और ये भी पंप पे जा रहा है, शायद बंद है बारिश के चलते। आगे सामने गाड़ी लगी है उसके लिए उधर लगी है, तो यहीं से मशीन लगा कर डीजल डाल लेते हैं। मैं अभी 5 हज़ार का डीजल डाला मशीन में और 5 हज़ार का डीजल आया, 52 लीटर कुछ पॉइंट ऐसा आया था डीजल। ताकि में 128 लीटर डीजल आता है, जिससे 5-6 लीटर डीजल एक्स्ट्रा रहता है उनका अपना, तो वो डीजल ना आप निकाल सकते हैं ना उस मशीन चला सकते हैं। तो एक पॉइंट में डीजल आता है आपका 8 लीटर कुछ पॉइंट ऐसा आता है और जैसे आपका आप फुल टैंक करते हैं तो 7 पॉइंट आता है, 2 पॉइंट होता है तभी आपको सिंगल मिल जाता है, ऐसा अप डाउन करता है अपना पॉइंट। तो आपको समझ आने का, अभी मेरे मशीन में कम से कम 40 लीटर तक डीजल बचा है। तो आप कितने घंटे मशीन चला, 6 से 7 घंटे तक मशीन चला सकते हो आराम से ही, पूरा टाके ऐसा पूरा खत्म हो जाएगा मशीन। समझ जाओ 6 घंटे चलाने के बाद मशीन ऐसा एयर लेने लगेगी। तो आपको कम से कम मशीन 2 पॉइंट में सिंगल मिलता है तो 4 से 4 ही घंटे चले, 4 साढ़े 4 घंटा आपका मशीन आराम से चल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करो ना।